और बात करते हैं तमिलनाडु की, क्योंकि तमिलनाडु एक बार फिर से सुर्खियों में है और वजह है बसपा नेता की हत्या। तमिलनाडु में बीते शुक्रवार को बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी। यह घटना तब हुई जब 47 साल के आर्मस्ट्रांग पेरम्बूर में अपने घर के पास ही अपने समर्थकों के साथ में बातचीत कर रहे थे। अचानक से बाइक सवार 6 लोग आते हैं, उन पर चाकू और दूसरे धारदार हथियारों से हमला बोलते हैं। इसमें कुछ हमलावर तो फूड डिलीवरी एजेंट के रूप में वहां पर पहुंचे। हमले के बाद बुरी तरह से जख्मी आर्मस्ट्रांग को अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। बसपा नेता की हत्या के बाद सियासत गर्म है। यूपी की पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती इस मामले को लेकर तमिलनाडु के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जमकर निशाना साधती हुई नजर आई। आज वो चेन्नई भी पहुंची और मारे गए उनके नेता के आर्मस्ट्रांग को श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान उनके साथ उनके भतीजे और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी साथ रहे और दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान चेन्नई पहुंचकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने तमिलनाडु के डीएम के सरकार पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा राज्य में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है और अभी तक असली अपराधी गिरफ्तार ही नहीं हो पाए। यही नहीं, उन्होंने इस मामले में जांच की मांग की है सीबीआई से। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु पुलिस ने सिर्फ खानापूर्ति के लिए कुछ गिरफ्तारियां कर ली, जबकि असली अपराधी तो अब तक फरार है। यही नहीं, मायावती ने तमिलनाडु में दलित समुदाय को खतरे में बता दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए एक बार सुनवाते हैं। जो स्टेट के प्रेसिडेंट रहे हैं वो नहीं हमारे बीच में रहे, तो आप न्याय नहीं देना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि ये मामला सीबीआई को रेफर किया जाए, ताकि जो असली अपराधी हैं तो उनका असली कैरेक्टर सामने आ जाए, ये मालूम पड़ जाए कि इसके पीछे हाथ किसका है। क्योंकि मुझे, हमें कोई, हमारी पार्टी को कोई उम्मीद नहीं है, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट हमें न्याय दे देगी। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे आदमी को न्याय मिले, दलितों को न्याय मिले, तो और उनका हाथ नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का, वो कहते हैं कि हमारा हाथ नहीं है, तो फिर आपको ये मामला सीबीआई को तुरंत रेफर करना चाहिए। और यदि स्टेट गवर्नमेंट रेफर नहीं करती है सीबीआई को, तो समझ लो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं हाथ जरूर है, और नहीं है तो उनको सीबीआई को रेफर करना चाहिए, ताकि ये मालूम पड़ जाए कि इसमें हाथ किसका है। तो सुना आपने मायावती को, वो कह रहे हैं कि अगर सीबीआई को रेफर नहीं किया जाता केस, इसका मतलब यह है कि स्टेट गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं रोल है। अब जरा जानिए कि के आर्मस्ट्रांग जिनकी हत्या हुई वो हैं कौन। पेशे से वकील, अंबेडकरवादी नेता, दलितों के हित के लिए काम करने वाले नेता। यही नहीं, बसपा के तमिलनाडु यूनिट के वो अध्यक्ष भी थे। नॉर्थ चेन्नई के इलाके में उनकी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी थी, खासकर युवाओं के बीच में, जहां बड़ी संख्या में युवाओं की पढ़ाई के लिए वो मदद किया करते थे। के आर्मस्ट्रांग निर्दलीय पार्षद भी रह चुके थे, साथ ही साल 2011 के विधानसभा चुनाव में मौजूदा चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन के खिलाफ चुनाव लड़कर वो सुर्खियों में आए, इस चुनाव में अच्छे खासे वोट जुटाए। यही नहीं, उनके चुनाव के लिए मायावती भी रैली करने तमिलनाडु पहुंची थी। हालांकि पुलिस का अलग ही इस पूरे मामले को लेकर कुछ मानना है। तमिलनाडु की पुलिस है, उनके मुताबिक आर्मस्ट्रांग एक हिस्ट्री शीटर थे, उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे। हालांकि कुछ साल पहले ही उनकी हिस्ट्री शीट बंद भी कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारियां की हैं और पुलिस को संदेह है कि बसपा नेता की हत्या किसी गैंग वॉर का ही नतीजा हो सकती है। दरअसल चेन्नई पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया और पुलिस के मुताबिक ये मामला बीते साल हुई गैंगस्टर आरकोट सुरेश की हत्या से जुड़ा हुआ हो सकता है। पुलिस के मुताबिक ये हो सकता है कि सुरेश आरकोट की हत्या का बदला लेने के लिए ही हमलावरों ने आर्मस्ट्रांग की हत्या की हो। पुलिस के मुताबिक आर्मस्ट्रांग की हत्या आरकोट सुरेश के सहयोगियों ने की थी और इस पूरे मामले में गैंगस्टर सुरेश का भाई भी शामिल था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वहीं बसपा लगातार पुलिस की इस थ्योरी को गलत बता रही है और मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है।